नागपुर के इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक अज्ञात शव मिलने की घटना सामने आई है। यह शव उंटखाना रोड पर एक बंद इमारत में जली हुई अवस्था में मिला। इमारत वर्धा निवासी सचिन अग्निहोत्री के स्वामित्व में है और 20 वर्षों से बंद है। इस मामले की जांच करने पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच कर रही है। यह पता चला है कि शरीर एक आदमी का है। नागपुर में दिन ब दिन शव मिलने से शहरवासियों की चिंता बढ़ गई है और पुलिस भी चिंतित है। स्टेशन में इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि यहाँ पर एक डेड बॉडी है, पेट्रोलियम मॉल के सामने में बीमा का दवाखाना यहाँ पर होंगे। हम तुरंत यहाँ पर आ गए। आने के बाद में हमने देखे यहाँ पर एक बॉडी मिली है, जली हुई बॉडी मिली, थोड़ी डिकम्पोज है। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, पुरुष की बॉडी है, देखते हैं क्या होता है तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। ये जो प्रॉपर्टी है किसकी है और ये पुराना कोई ऐसा खंडर टाइप का बिल्डिंग है, किसका मालिक है, क्या कुछ हमें अभी जानकारी मिली है फिलहाल में? तो जूना बीमा का दवाखाना था बोलते हैं उसका, कोई पटेल का, 20 साल से बंद है। अभी कोई किसी ने लिया है वो जानकारी मिलने के बाद बता सकते किसने लिया करके। इसके लिए रोशन बुकड़े के साथ पैदे ही चौहान। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।